गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम जनरली जिस डेफिनेशन पे वर्क करता है वो है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। मींस जो भी हमारे पास बार है उसको तो ब्रेक करना है एंड जो भी साइन है उसको चेंज करना है। मींस ब्रेक द लाइन ओवर द बार एंड चेंज द साइन ऑफ द ऑपरेटर। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, थ्योरम फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम फर्स्ट में हम देख रहे हैं ए डॉट बी पे होल बार लगा हुआ है। सो हम जैसे ही इस पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे ये बार तो ब्रेक हो जाएगा। सो बार ब्रेक होकर हो गया ए बार बी बार एंड यहाँ पर जो साइन है वो डॉट का है। सो डॉट साइन भी चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में। सो हमारे पास ए डॉट बी होल बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती भी है या नहीं होती है। सो हम देखते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग ए डॉट बी होल बार की ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सो हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास ए और बी दोनों ज़ीरो हो, जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट ज़ीरो आएगा एंड जैसे ही उस ज़ीरो का बार करेंगे हमारे पास आउटपुट होगा वन। सो ये हमारे पास आ गया वन। सिमिलरली जैसे हम इनपुट में ज़ीरो और वन देते हैं, सो ज़ीरो डॉट वन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे ही ज़ीरो का बार किया जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वन में। सो ये भी वन आ गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वन ज़ीरो, सिमिलरली वो भी हमारे पास आउटपुट प्रोसेस्ड होने के बाद वन ही आएगा। एंड लास्ट हम देख रहे हैं वन वन। जब आप वन और वन को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आउटपुट हाई आता है, मीन्स वन आता है। लेकिन जैसे ही इसे इन्वर्ट करते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ज़ीरो में। सो आउटपुट क्या हो गया, ज़ीरो। अब हमें ये देखना है कि जो ए बार प्लस बी बार है जब हम उसको सॉल्व करते हैं तब भी आउटपुट यही आते हैं क्या। अगर यही आएंगे इसका मतलब कंडीशन प्रूव हो जाएगी। सो देखते हैं, ज़ीरो ज़ीरो जब हमने ए और बी में दोनों में ज़ीरो दिया, सो ज़ीरो का बार होता है वन। सो ए बार प्लस बी बार यानी कि ए बार भी वन है प्लस बी बार भी वन है। वन प्लस वन इन डी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू वन। सो हमारे पास आउटपुट क्या आया, वन। सिमिलरली ज़ीरो वन, ज़ीरो का जब बार करेंगे वन एंड वन का जब इन्वर्ट करेंगे मीन्स बार लगाएंगे तो वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम वन प्लस ज़ीरो करेंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, वन। थर्ड के लिए भी सेम होगा एंड फोर्थ के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है वन, तो वन का बार करेंगे ज़ीरो। सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो आउटपुट क्या आया, ज़ीरो। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो टेबल है और ये जो टेबल है इक्विवेलेंट है। सो डी मॉर्गन थ्योरम फर्स्ट बिल्कुल सेटिस्फाई होती है, यानी कि जब भी हम किसी ए डॉट बी होल बार को ब्रेक करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट निकलता है ए बार प्लस बी बार, उन दोनों की वैल्यूज़ हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। आगे देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम सेकेंड। डी मॉर्गन थ्योरम सेकेंड कहती है कि ए प्लस बी होल बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। सो वही ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला फैक्टर यहाँ यूज़ हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं बार को ब्रेक किया गया है एंड प्लस ऑपरेटर को डॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो इसको हम लोग देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ट्रुथ टेबल के थ्रू हम देखते हैं वही। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ज़ीरो एक, बी बी ज़ीरो दिया हुआ है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। लेकिन जैसे हम इसका बाहर करेंगे हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। सो पहला फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, वन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। ज़ीरो प्लस वन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू वन, बट जब इसका बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी हमारे पास ऐसे ही होगा। लास्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, वन है। वन प्लस वन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू वन एंड जब इसका बार लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। सो ये हमारे पास सॉल्वेंट आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ए बार डॉट बी बार भी ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो देखते हैं, जब हम लोग ए और बी की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो देंगे तो आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ज़ीरो का बार वन होता है, वन डॉट वन वन। सिमिलरली जब हमारे पास ज़ीरो और वन दिया जाएगा, ज़ीरो बार वन, वन का बार ज़ीरो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, ज़ीरो। सिमिलरली थर्ड भी सेम है एंड लास्ट में
कि 1 का बार 0, सो 0.0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये और ये, यानी कि a प्लस बी होल बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार। सो हमारी थ्योरम सेकंड भी प्रूव हो गई है। आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास थ्योरम है उनके लॉजिकल डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होंगे। सो हमारे पास यहाँ फर्स्ट देखते हैं a डॉट b होल बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले हमें डालना है a डॉट b। एक इनपुट दिया हमने a, एक इनपुट दिया हमने b, इन दोनों को हमने कौन से गेट पे डाला, एंड गेट पे। जैसे ही a और b इनपुट अप्लाई किए किस पे, एंड गेट पे, तो हमारे पास आउटपुट आएगा a डॉट b। इस a डॉट b को हमने किस से पास कराया, इन्वर्टर से। सो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, a डॉट b बार। सो ये इसका लॉजिकल डायग्राम हो गया। आगे a बार प्लस b बार की बात करें, इनपुट में वही हमने a दिया, यहाँ इनपुट में दिया b। बार लगाने के लिए यहाँ हमने एक इन्वर्टर लगाया, यहाँ एक इन्वर्टर लगाया, सो आउटपुट हुआ a बार b बार। इन दोनों को हमने कहाँ अप्लाई कर दिया, और गेट पे। जैसे ही हम और गेट पे अप्लाई करेंगे ये बन के आएगा a बार प्लस b बार। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लॉजिकल डायग्राम्स हैं। सो जनरली a डॉट b होल बार एंड गेट का इन्वर्ट आउटपुट है, और a बार प्लस b बार इन्वर्ट करता है पहले इनपुट को, उसके बाद उसको और गेट पे अप्लाई करने के बाद मिलता है। सो ये हमारे लॉजिकल डायग्राम है। आगे देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम सेकंड, इसका भी बनाते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दिया हुआ है a प्लस b होल बार। सो पहले हम a इनपुट देंगे, b इनपुट देंगे, इनको अप्लाई करेंगे और गेट पे, क्योंकि और गेट प्लस ऑपरेटर को शो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगा a प्लस b। इस a प्लस b को जैसे ही इन्वर्टर से पास कराया जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b होल बार। आगे देखते हैं हम a बार डॉट b बार। a इनपुट, b इनपुट, इनको किससे पास कराया, इन्वर्टर से। इन्वर्टर से पास कराने पर इनके a बार और b बार हमें एज आउटपुट मिलेंगे इन्वर्टर के। इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे एंड गेट पे, सो एंड गेट डॉट ऑपरेटर को प्रिपेयर करके चलता है। सो इसका आउटपुट आएगा a बार डॉट b बार। सो ये हो गया हमारा थ्योरम सेकंड